अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? ओके ग्रेट। ओके जी, मोटिवेशन डिस्कस कर रहे थे, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। मोटिवेशनल थ्योरीज में हमने मैस्लो की थ्योरी को डिस्कस करना शुरू किया था, एंड वी विल कंटिन्यू विद अब्राहम मैस्लो। मैस्लो की थ्योरी ने इसकी पांच नीड्स को रिव्यू कर लिया था, एंड ऑल ऑफ दीज नीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट एन इंडिविजुअल। मैस्लो की थ्योरी बेसिकली कुछ अजम्पशंस पे चलती है, इस पर भी हमने बात की थी। मैस्लो की थ्योरी ये अज्यूम करती है कि इंडिविजुअल्स की जो नीड्स हैं वो कॉमन है, और एक वक्त में एक नीड मोटिवेट करती है इंडिविजुअल को, और जब वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर अगली नीड मोटिवेट करती है। हमने पांचों नीड्स को डिस्क्राइब किया था। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थ्योरी। ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एंड सेकेंडली विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आएगा। You might be asked to comment on various aspects of the theory. For example, needs को describe करने को कहा जा सकता है, limitations पे already question आ चुका है पेपर में। अब्राहम मैस्लो की hierarchy of need theory की जो limitations हैं ये पेपर में already टेस्ट हो चुकी है। So मैस्लो जो है ये suggest करता है कि लोगों की जो motivation है ये improve की जा सकती है by satisfying their needs. मैनेजमेंट को चाहिए कि पहले वो लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करे। जब तक लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई नहीं होंगी, ऊपर वाली नीड्स मोटिवेट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल, लोअर लेवल नीड्स कौन सी हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और सोशल नीड्स। और हायर लेवल नीड्स कौन सी हैं? एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अच्छा, ये कन्फ्यूज नहीं करना, ये हायर लेवल है और ये हायर ऑर्डर है। ये जो दो नीड्स हैं ये हायर ऑर्डर है, तो हायर लेवल हायर ऑर्डर में कन्फ्यूज नहीं करना। इस पिरामिड के अंदर भी दो हिस्से हैं, ये लोअर लेवल नीड्स है और ये हायर लेवल नीड्स है। ठीक, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट। फिर मैस्लो कहता है फॉर एग्जांपल कि अगर सैलरी ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सैलरी से आप अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा करते हैं, सो एम्प्लॉयज मस्ट बी पेड इनफ टू सेटिस्फाई देयर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। लोगों को कम से कम इतनी सैलरी जरूर दें कि वो अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा कर सकें। दे आर एबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड। इसी तरह सिक्योरिटी नीड्स हैं, आपकी जो सेफ्टी नीड्स हैं। यू कांट मोटिवेट समवन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइंग देयर सेफ्टी और देयर सिक्योरिटी नीड्स एंड देयर सोशल नीड्स एज वेल। तो सेफ्टी और सोशल नीड्स को भी आपने इंश्योर करना होता था कि आप जॉब डिजाइन से हम लोगों की सोशल इंटरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, आप कितना ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। दैट डिटरमिन्स के लोगों का ओवरऑल इंटरेस्ट लेवल कितना होगा या लोग किस हद तक जॉब के अंदर सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप लोगों की मोटिवेशन को डिटरमिन करते हैं और आप लोगों की मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं पहले वो पूरी की जाए, एंड वंस द बेसिक नीड इज सेटिस्फाइड एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि पीपल शुड फील देमसेल्व एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तब आप उनकी एस्टीम और स्टेटस पे जाएंगे ना। तो बेसिकली मैस्लो के मुताबिक ये नीड्स हायरार्की में काम करती हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस नीड थ्योरी। ये क्वेश्चन आया था पेपर में 8 मार्क्स का कि लिमिटेशंस क्या हैं हायरार्की ऑफ नीड्स की। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी लॉजिकल आइडिया दैट इज गिवन टू यू अबाउट ह्यूमन मोटिवेशन, बट इट हैज इट्स सिग्निफिकेंट वीकनेसेस एंड इट्स ओन लिमिटेशंस। मेन प्रॉब्लम जो है वो थ्योरी की अजम्पशन है कि नीड्स सबके लिए कॉमन है और हर कोई नीड्स को सेटिस्फाई करता है सेम वे में। ये हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोसेस थ्योरीज हम आगे जाके पढ़ेंगे, प्रोसेस थ्योरीज के अंदर ये चीज़ ओवरकम हो जाती है, क्योंकि प्रोसेस थ्योरी ये कहती है कि नहीं, नीड कॉमन नहीं होती, नीड सेम नहीं होती, और जब नीड सेम नहीं है
तो फिर हर एक को उनकी अपनी नीड को सेटिस्फाई करने का तरीका भी अलग है. व्हेन द नीड्स आर नॉट सेम, तो फिर हर एक का जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट है. ठीक है, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ये देखना होता है कि लोगों की नीड्स कैसी हैं. अभी हम आगे जाके विक्टर रूम की थ्योरी देखेंगे, तो विक्टर रूम के मुताबिक नीड्स वेरी करती हैं लोगों की और उनको सेटिस्फाई करने के तरीके भी वेरी करते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस. इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. ये एन मुमकिन है कि किसी की एस्टीम नीड उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सोशल नीड. ये भी पॉसिबल है कि किसी की सोशल नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सेफ्टी नीड्स. तो पहली चीज़ तो ये कि इंडिविजुअल की नीड्स डिफरेंट है, नंबर वन, और नंबर टू उनका ऑर्डर भी शायद ये नहीं है. ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है उसके इंटरेस्ट के ऊपर. फिर अब्राहम मैस्लो की थ्योरी की अजम्पशन है कि एक वक्त में एक ही नीड आपको मोटिवेट करती है, और जब तक हम एक नीड को फुली सेटिस्फाई नहीं कर लेते हम अगली नीड से मोटिवेट नहीं होते. जबकि इस थ्योरी की लिमिटेशन में ये है कि नहीं, इंडिविजुअल में सीक टू सेटिस्फाई सेवरल नीड्स एट द सेम टाइम. इंडिविजुअल्स एक ही वक्त में बहुत सारी नीड्स अपनी सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं. इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक वक्त में एक नीड से ही सेटिस्फाई होंगे या उससे मोटिवेट होंगे. So you are working to satisfy several needs at the same time. फिर चूंकि person to person needs vary करती है, तो needs से आने वाले reactions भी vary करते हैं. Same need may cause different reaction from different individuals. जैसे for example hunger है, भूख है. अब एक बंदे को भूख लगी है, वो अपनी भूख में डाल लेता है एक रोटी खा के. लेकिन अगर किसी और को भूख लगी हुई है तो वो उसकी भूख तब तक नहीं मिटती जब तक वो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर ना खा ले या पिज्जा हट का पिज्जा ना खा ले. तो एक ही नीड जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस जनरेट करती है, और उस नीड की जो सेटिस्फेक्शन है वो भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन. ठीक है, फिर मैस्लो की थ्योरी के अंदर आजकल जो मॉडर्न थ्योरीज हैं वो लिंक कर रही हैं सेल्फ फुलफिलमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के साथ. ही हम आगे जाके पढ़ेंगे मॉडर्न थेरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर हम एक थेरी पढ़ेंगे, गोल सेटिंग थेरी. गोल सेटिंग थेरी जो है वो कनेक्ट करती है कि अगर एक काम को करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, उससे ऑटोमेटिकली इदारे की परफॉर्मेंस बढ़ती है. ये गोल सेटिंग थेरी में हम जाके पढ़ेंगे. तो मैस्लो की थेरी की ये भी लिमिटेशन है कि मैस्लो डज नॉट शो एनी लिंक बिटवीन सेल्फ फुलफिलमेंट एंड इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. मैस्लो की थेरी इनको कनेक्ट नहीं करती. मैस्लो की थेरी कहीं डिफाइन नहीं करती कि आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जब बेहतर हो सकती है. इसी तरह एक अंडरलाइंग अजम्पशन है मैस्लो की थ्योरी की कि लोग रिवॉर्ड्स से मोटिवेट होते हैं. बल्कि अगर आपको याद होते हैं हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट की भी यही अजम्पशन थी ना कि पे द पीपल गेट देम टू वर्क. लोगों को पैसा दें और उनसे काम करवाएं, लोगों को हायर स्टेटस दें और उनसे काम करवाएं. तो सेल्फ फुलफिलमेंट से रिवॉर्ड से लोग काम तो करते हैं, मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन उसका लिंक क्या है परफॉर्मेंस के साथ, ये मिसिंग है मैस्लो की थ्योरी के अंदर. मैस्लो की थ्योरी कहते हैं इट्स वेग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे आके मैस्लो की थ्योरी थोड़ी सी वेग हो जाती है, वीक हो जाती है. आजकल जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन दिस फिनोमेना. मॉडर्न राइटर्स जो हैं वो आजकल अब ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं. सो मैस्लो की जो थ्योरी है वो अब वेग नहीं हो, मतलब मैस्लो की जो थ्योरी वेग हो चुकी है, लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ये आगे जाके पढ़ेंगे सेल्फ एफिकेसी के अंदर मॉडर्न थ्योरीज में. तो मॉडर्न थ्योरी अब ज़्यादा इस नीड के ऊपर काम कर रही है. फिर कंटेंट थ्योरीज के अंदर हम स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को नहीं डिफाइन करते, ये हमने डिस्कस किया था. अब्राहम मैस्लो की थ्योरी चूंकि एक कंटेंट थ्योरी है तो ये मोटिवेशन की स्ट्रेंथ को मेजर नहीं करती कि एक इंसान कितना मोटिवेटेड है. प्रोसेस थ्योरीज जो हैं वो मेजर करती हैं इंसान की स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को कि एक इंसान कितना मोटिवेटेड है. इट कैन बी मेजर्ड बाय द प्रोसेस थ्योरी, बट अनफॉर्चुनेटली कंटेंट थ्योरीज जो हैं इस चीज़ को मेजर नहीं करती. दिस थ्योरी also fails to recognize that self-actualization is not always possible. Exactly. हमने कल पढ़ा था परसों menial natured jobs होती हैं कुछ. Sixth chapter के end में हमने पढ़ा था stress के अंदर. Menial natured jobs से मुराद है वो जॉब जो बहुत low होती हैं माशरे में, सोसाइटी में.
ऐसी जॉब में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल, एक फ्लोर वर्कर है फैक्ट्री का, जो मशीन पे काम कर रहा है, जिसका काम है 8 घंटे की शिफ्ट में काम करना, तो उसके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होगी? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो लो लेवल जॉब के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हर दफा अचीव करने में, मैस्लो कहता है कि हर इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, एवरीबॉडी कैन अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थेरीज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, स्पेशली इन दोज जॉब्स जहाँ पे फ्लोर वर्किंग ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपकी ये जो मोनोटोनस वर्क ज़्यादा होता है, जहाँ पे जॉब मोनोटनी हाई होती है। तो ये क्वेश्चन आया था पेपर में 8 मार्क्स का, ये 7 लिमिटेशन है। नंबर 1, डिफरेंट नीड्स है, मे नॉट बी इन द सेम ऑर्डर। नंबर 2, एक इंडिविजुअल एक वर्क में मल्टीपल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है। नंबर 3, एक नीड डिफरेंट रिएक्शंस क्रिएट करती है एक इंडिविजुअल से। नंबर 4, दिस थियरी डज नॉट कनेक्ट सेल्फ फुलफिलमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। नंबर 5, दिस थियरी इज वेग एट द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वहाँ पे वेग हो जाती है। नंबर 6, स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को मैयर नहीं करती। और नंबर 7, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमेशा पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को भी जस्टिफाई नहीं करती या रिकग्नाइज नहीं करती। सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिकल लिमिटेशन ऑफ दिस थियरी एंड दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन वंस, एक दफा आ चुका। 6th चैप्टर में जॉब सेटिस्फेक्शन को डिस्कस करते हुए हमने हर्सबर्ग मोटिवेशनल थियरी को डिस्कस किया था, हर्सबर्ग 2 फैक्टर थियरी। 1950s में फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने एक 200 इंजीनियर्स के इंटरव्यू किए, और अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स इंटरव्यू करके उसने 1959 में उसने किताब लिखी, मोटिवेशन टू वर्क। और उस किताब में उसने एक थेरी पेश की, उसने कहा कि मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले 2 फैक्टर्स हैं, हाइजीन फैक्टर्स हैं और मोटिवेटर फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जो एक जॉब के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब बिफोर हर्सबर्ग, हर्सबर्ग से पहले देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन ऑन द सेम स्केल। मतलब हर्सबर्ग से पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि हम सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को सेम स्केल पे मेजर करते थे। यहाँ पे हमारे पास है सेटिस्फेक्शन और यहाँ पे हमारे पास है डिससेटिस्फेक्शन। यानी अगर आप डिससेटिस्फाइड नहीं हैं तो इट मींस आप बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाइड हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो बाय डिफॉल्ट आप डिससेटिस्फाइड हैं। इसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन स्केल। ये सिंगल स्केल है, सिंगल स्केल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन। हर्ज़बर्ग ने आके इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया था। हर्ज़बर्ग ने आके कहा था नहीं, ऐसा नहीं होता, सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन ये एक स्केल नहीं है, ये 2 अलग-अलग स्केल्स हैं। उसने कहा था कि एक स्केल जो है वो है सेटिस्फेक्शन एंड नो सेटिस्फेक्शन, दिस इज सेटिस्फेक्शन स्केल। यानी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसेटिस्फाइड हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप नॉट सेटिस्फाइड हैं, आप न्यूट्रल स्टेट में। इसी तरह एक और स्केल इसने डिफाइन की थी, जिसे इसने नाम दिया था डिससेटिस्फेक्शन स्केल का, इट इज नोन एज यू आर नॉट डिससेटिस्फाइड, नो डिससेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन। यानी ये दोनों जो हैं ये सेम है। ये दोनों जो हैं ये सेम है, नो सेटिस्फेक्शन, दीज आर द सेम कॉन्सेप्ट। ये सेम, इफ यू आर
not satisfied, or if you are not dissatisfied, yes, same concept. Satisfaction, no dissatisfaction, dissatisfaction. इसने कहा था कि किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए पहले उसकी डिससेटिस्फेक्शन को एलिमिनेट करना है, यानी पहले किसी को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आना है। जब आप उसे न्यूट्रल स्टेट में ले आएंगे, फिर आप एक और फैक्टर्स यूज करेंगे जिन्हें मोटिवेटर फैक्टर्स कहा जाता है, जो नो सेटिस्फेक्शन से उठा के सेटिस्फेक्शन में लेके आएंगे आपको। तो बेसिकली देर आर टू फैक्टर, दैट्स वाई दिस थियरी इज कॉल्ड एज टू फैक्टर थियरी। हर्सबर्ग ने कहा था कि दो ग्रुप्स होते हैं, एक वो जो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं और एक वो जो सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं। डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करने वाले फैक्टर्स को हम हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं, और सेटिस्फेक्शन क्रिएट करने वाले फैक्टर्स को हम मोटिवेटर फैक्टर्स कहते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स को देखने से पहले ये स्टेटमेंट पढ़ें। इट माइट बी सपोज्ड दैट फैक्टर कॉजिंग डिससेटिस्फेक्शन एंड फैक्टर कॉजिंग सेटिस्फेक्शन आर ऑपोजिट्स, यानी ये कॉन्सेप्ट हर्ज़बर्ग की थ्योरी से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट था कि ये वो फैक्टर जो सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं, दे आर ऑपोजिट टू दोज फैक्टर्स जो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं। या अगर डिससेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सेटिस्फेक्शन है। हर्ज़बर्ग ने कहा था दिस इज द प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। इसने कहा था ऑपोजिट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन इज नॉट सेटिस्फेक्शन, इट सिंपली नॉट बीइंग डिससेटिस्फाइड, ये नो डिससेटिस्फेक्शन। इसी तरह ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नॉट डिससेटिस्फेक्शन, इट इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिससेटिस्फाइड हैं, इसका मतलब ये है कि आप न्यूट्रल स्टेट में, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो हर्ज़बर्ग ने कहा था कि सबसे पहले ये देखना है कि वो फैक्टर्स जो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं उनको मैनेज करना है ताकि डिससेटिस्फेक्शन को अवॉइड किया जा सके, और फिर वो फैक्टर्स जो सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं उनको वेल इन प्लेस लेके आना है ताकि सेटिस्फेक्शन क्रिएट की जा सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मैनेज दोस फैक्टर्स दैट माइट क्रिएट डिससेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल सैलरी इज द मोस्ट क्रिटिकल डिससेटिस्फेक्शन हाइजीन फैक्टर्स। अगर आप किसी को सैलरी टाइम पे देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसकी डिससेटिस्फेक्शन को रोक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कंडीशन है, अगर आप किसी को अच्छी वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं तो इट डज नॉट मीन कि उसके लिए सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि आप उसकी डिससेटिस्फेक्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, उसे मिनिमाइज कर रहे हैं। इसी तरह सुपरविजन है, कंपनी पॉलिसी पेपर में 10 नंबर का सवाल आया था, लिस्ट डाउन करने से दोनों फैक्टर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इस तरह का सवाल अगर आपको आ जाए तो सबसे पहले तो आप सजदा शुक्र अदा करेंगे और फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। Because such type of questions are very scoring. Just imagine, 10 marks का question आ रहा है आपको और question क्या पूछ रहा है जी, hygiene factor और motivator factor को list down कर दो। इसी ये question आ चुका है paper में, company policy, supervision, relationship with boss, relationship with colleagues, ये सारे के सारे आपके hygiene factors हैं। ये dissatisfaction को influence करते हैं workplace के ऊपर, achievement, recognition, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, ये सारे के सारे आपके मोटिवेटर फैक्टर्स। अब अगर आप किसी को प्रमोशन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो मोटिवेटर फैक्टर है, सेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगा। अगर आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं, रिकग्निशन दे रहे हैं, पहचान दे रहे हैं तो मोटिवेटर फैक्टर है। काम में अगर आप ऐसी जिम्मेदारियाँ डाल रहे हैं जो कि चैलेंज करें एक इंडिविजुअल के स्किल को तो मोटिवेटर फैक्टर है। वर्क इटसेल्फ एक मोटिवेटर फैक्टर है। तो मोटिवेटर फैक्टर्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी क्रिटिकल। नासी दिस इज हाउ ही कंक्लूडेड द थ्योरी। मैनेजमेंट्स को चाहिए सबसे पहले हाइजीन फैक्टर्स पे काम करें, और ये बड़ी कॉमन सी बात है। जब तक हाइजीन फैक्टर्स प्रॉपर अटेंशन नहीं दिए जाएंगे, वेल इन प्लेस नहीं होंगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट द पीपल आर नॉट डिससेटिस्फाइड। For example, employees need to feel that they are being paid well enough in order to prevent them from being dissatisfied. पहले salary time पे दें ताकि dissatisfaction को eliminate करें, उसके बाद उन्हें promotion दें, उन्हें bonus दें, उन्हें reward दें ताकि satisfaction create करें। This is a very interesting statement. However, satisfying the hygiene factors not only it can only prevent dissatisfaction, it does not ensure satisfaction. जब आप हाइजीन फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सिर्फ इस चीज़ की निशानदेही करता है कि डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी, बट इट नेवर इंश्योर्स सेटिस्फेक्शन।
सिमिलरली मोटिवेट करने के लिए फिर आपको मोटिवेटर फैक्टर्स चाहिए होते हैं। मोटिवेटर फैक्टर्स से आप ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं वर्क प्लेस के ऊपर जिससे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, रिकग्निशन मिलती है। जॉब एनरिचमेंट आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जॉब एनरिचमेंट कहते हैं मेकिंग अ वर्क मोर इट्स इंटरेस्टिंग एंड फुलफिलिंग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया हमने और उसको आपने बुक कीपिंग पर लगा दिया, उसको आपने लेजर पर लगा दिया है, तो इट मीन्स उसकी जॉब एनरिच नहीं है। इफ़ यू हैव हायर्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उससे आप चैलेंजिंग काम लें ना, उससे आप रिपोर्टिंग के काम लें, डिसीजन मेकिंग के काम लें, ऑडिट के काम लें, इसे कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। हर्ष्बर्ग ने कहा था कि जॉब एनरिचमेंट भी एक मोटिवेटर फैक्टर है जो कि आपके काम में ही है ना, वर्क इटसेल्फ यहाँ पे आती है जॉब एनरिचमेंट। काम इतना फुलफिलिंग है, काम करने का इतना मज़ा आता है आपको, यू लव टू डू द टास्क, यू लव टू डू इट, ठीक है। तो जब जितना आपका काम फुलफिलिंग होगा, जितना आपका टास्क फुलफिलिंग होगा, उसमें उतना आपका इंटरेस्ट बेहतर होगा। इसे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट एम्प्लॉइज का जो काम है वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो फुलफिलिंग है। दिस इज द सेकेंड थ्योरी दैट इज हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। आज की जो हमारी दूसरी थ्योरी है डिस्कशन की, विक्टर रूम पे हम बाद में आएंगे, पहले हम पढ़ेंगे मैकलिन एंड नीट थ्योरी। पहले हम कंटेंट थ्योरी को फुलफिल कर लें। जस्ट स्पेयर मी अ मोमेंट, एक दीजिएगा, आई विल बी राइट बैक। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं क्लियर, एक्चुअली हम पहले कंटेंट थ्योरी सारी की सारी पूरी करेंगे और फिर हम प्रोसेस थ्योरीज को रिव्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट ऑल द कंटेंट थ्योरीज। सो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी पहली कंटेंट थ्योरी है, फिर हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी दूसरी कंटेंट थ्योरी है, और अब तीसरी जो कंटेंट थ्योरी है वो है मैकलिन की नीड थ्योरी। दिस इज द थर्ड कंटेंट थ्योरी। मैकी जो नीड थ्योरी है ये अभी रिसेंटली टेस्ट हुई थी सितंबर के अटेम्प्ट में। ये थ्योरी कहती है कि एक इंसान जिस तरह हम हायरार्की ऑफ नीड पांच नीड्स पे डिस्कशन करती है, ये थ्योरी जो है ये तीन नीड्स पे डिस्कशन करती है। ये थ्योरी कहती है कि देयर आर थ्री नीड्स जो एक इंसान को मोटिवेट करते हैं, और ये तीनों नीड्स एक वक्त में एक इंसान में पाई जाती हैं। हाउएवर एक नीड इनमें से डोमिनेट करती है। तीन नीड्स आपको मोटिवेट करती हैं, देर आर थ्री नीड्स दैट कैन मोटिवेट पीपल, बट वन नीड में डोमिनेट, एक नीड जो है वो डोमिनेट करेगी, ठीक। देर इज वन नीड दैट माइट डोमिनेट, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट जो होती है दैट इज द नीड जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो अचीवमेंट को सीख करता है, मेहनत करता है, क्योंकि वो गोल्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर जस्ट स्टडिंग हार्डर बिकॉज यू वांट टू अचीव समथिंग, दैट वुड बी योर नीड फॉर अचीवमेंट। अगर आप सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाए, नीड फॉर अचीवमेंट का जो बंदा होता है ना वो सक्सेस से ड्राइव होता है, उसे कोई और चीज़ ड्राइव नहीं कर रही होती, वो कामयाबी चाहता है।
वो अचीव करना चाहता है, वो अपने टारगेट खुद सेट करता है। ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट लेके चल रहे होते हैं, फीडबैक से मोटिवेट होते हैं। इनको अगर आप फीडबैक देंगे तो और मोटिवेट होंगे, इनकी जो प्रोग्रेस है काम की तरफ उनके फीडबैक से ड्राइव होती है। जैसे नीड फॉर अचीवमेंट सबसे क्रिटिकल नीड है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। फिर एक होती है नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर जो होती है ये आपकी अथॉरिटी को डिफाइन करती है। आप सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू बी अथॉरिटेटिव एंड यू वॉन्ट टू मेक एन इम्पैक्ट। एक इंसान इसलिए मेहनत करता है कि वो इम्पैक्टफुल होना चाहता है, वो अथॉरिटेटिव होना चाहता है, तो इसकी नीड फॉर पावर है। ऐसे इंडिविजुअल की जो नीड है वो लीड करने की होती है। ही वॉन्ट्स टू लीड, ही वॉन्ट हिज आइडियाज टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर। नॉर्मली नीड फॉर पावर के लोग अच्छे लीडर्स नहीं होते, ना ही नीड फॉर एफिलिएशन के लोग अच्छे लीडर्स होते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन के लोग वो होते हैं जो दूसरों से फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहते हैं। एक इंसान जो है वो इंटरेक्शन विद द पीपल से मोटिवेट होता है। ही नीड्स टू बी लाइक्ड एंड बी हाईली रिगार्डेड। ही मेक्स अ गुड टीम प्लेयर। अच्छा टीम प्लेयर तो होता है लेकिन अच्छा लीडर नहीं होता। अच्छा टीम प्लेयर तो होता है लेकिन अच्छा लीडर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नीड फॉर पावर वाला जो है वो अपनी पावर को प्रैक्टिस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा। और नीड फॉर एफिलिएशन का वाला जो बंदा है ये सिर्फ इसलिए कि मेरे रिलेशनशिप ख़राब ना हो दूसरों के साथ, सो दैट माई रिलेशनशिप्स आर नॉट स्पॉइल्ड विद अदर्स, तो ये फिर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब सख्ती नहीं करेगा, लोगों की बात जल्दी मानेगा। दोनों केसेस में लीडर अच्छा नहीं बनेगा। नीदर अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अचीवमेंट फॉर पावर इज अ गुड लीडर एंड नॉर द पर्सन विद स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एफिलिएशन इज अ लीडर। दोनों केसेस में इंडिविजुअल जो है ही डज नॉट मेक अ गुड लीडर। मैकलेरन ने कहा था कि नीड फॉर अचीवमेंट के जो लोग हैं दे आर द बेस्ट लीडर्स, हाउएवर दे माइट डिमांड टू मच फ्रॉम देयर एम्प्लॉइज। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि हम नीड फॉर अचीवमेंट से मोटिवेट हो रहे हैं तो कोई और भी नीड फॉर अचीवमेंट से मोटिवेट हो रहा होगा। इफ दे फील दैट वी आर बीइंग मोटिवेटेड बाय नीड फॉर अचीवमेंट तो समवन एल्स विल आल्सो बी मोटिवेटेड बाय नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर एफिलिएशन के लोग जो हैं दे आर यूजुअली पुअर लीडर्स बिकॉज दे नीड टू बी लाइक्ड बाय अदर्स एंड दैट विल अफेक्ट देयर ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रिवेंट देम एट टाइम फ्रॉम मेकिंग अनपॉपुलर बट नेसेसरी डिसीजंस। तो सिर्फ इसलिए कि वो चाहते हैं लोग कहीं बुरा ना माने या लोग हमसे नाराज ना हो जाए, वो बार दफ़ा जहाँ पे अनपॉपुलर लेकिन नेसेसरी डिसीजन लेने होते हैं वो नहीं ले पाते। अनपॉपुलर से मुराद ये है ऐसा डिसीजन जो किसी को पसंद ना आए, लेकिन बहुत दफ़ा आपको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो किसी को तो पसंद नहीं आते लेकिन ज़रूरी होते हैं। सो वो बंदा जो नीड फॉर एफिलिएशन से मोटिवेट होगा वो ऐसे डिसीजन नहीं लेगा फिर जो अनपॉपुलर होंगे। नीड फॉर पावर वाला भी जो है दैट इज ऑल्सो अ पुअर लीडर, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और कमिटमेंट बहुत हाई होती है, तो ये पीपल स्किल्स शो नहीं करता। ही लैक पीपल स्किल्स, ये बंदा पीपल स्किल लैक करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती, ज़बरदस्ती करता है दूसरों पे अपना। तो बेसिकली दोनों एक्सट्रीम है, एफिलिएशन भी एक्सट्रीम है और पावर भी एक्सट्रीम है, और दोनों केसेस में आप क्या करना चाह रहे होते हैं, आपका जो प्राइम कंसर्न होता है ये होता है कि आप अपनी बात मनवाना चाह रहे होते हैं किसी से। You actually want others to do something for you. Need for power में और need for affiliation में यही फर्क है। Affiliation में आप एक अच्छी फिगर कहलाना चाहते हैं, you want people to know you, you want people to recognize you. और need for power में आप चाहते हैं कि लोग जो हैं वो आपकी बात सुने, आप अपनी authority को practice करें। Achievement motivated individuals जो हैं they are the one who make things happen and get the results. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीड फॉर अचीवमेंट के जो लोग होते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो ये यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल मोटिवेटेड बाय नीड फॉर अचीवमेंट। हेडिंग नहीं दी गई लेकिन आप नोट कर लें, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी अगर पेपर में सवाल आ जाए कि नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोगों के फीचर्स क्या होते हैं या उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो यू विल राइट दीज पॉइंट्स। पहला फीचर क्या होता है, नीड फॉर अचीवमेंट के जो लोग होते हैं दे सेट गोल्स फॉर देमसेल्फ, अपने लिए गोल सेट करते हैं जिन्हें वो इन्फ्लुएंस कर सकें। इसीलिए नीड फॉर अचीवमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मैन एंड एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस मैन जो होते हैं उनके उनका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर होता है।
This is a very strong feature of businessmen or entrepreneurs. They consider achievement more important than financial rewards. इनके लिए financial rewards ज़्यादा important होते हैं. Achievement ज़्यादा important होती है as compared to financial rewards. इनको अगर आप reward दे भी रहे हैं तो उससे ज़्यादा important इनकी वो inner satisfaction है जो ये हासिल करते हैं किसी काम को पूरा करके. Remember, एक काम को जब आप अचीव कर लेते हैं ना तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन फील होती है. इसकी बेस्ट एग्जांपल मिलती है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि जब रिजल्ट डे को सुबह सुबह एसएमएस आता है और उसके आगे आपके तीनों पेपर्स के आगे लिखा होता है पास. बेटा वर्क एथिक है, एथनिक नहीं, एथिक है, अभी बताता हूँ क्या. आपके तीनों पेपर्स के आगे लिखा होता है ना पास क्रेडिट, उस वक्त जो एक फील आती है अचीवमेंट की, वो महसूस की है ना आपने? किस किस ने वो फील महसूस की होगी, सब ने की होगी. दैट इज नोन एज नीड फॉर अचीवमेंट. उस वक्त कोई रिवॉर्ड मैटर नहीं करता आपके लिए, उस वक्त कोई और चीज मैटर नहीं करती, उस वक्त वो जो सक्सेस है ना वो मैटर करती है. माशाल्लाह, वेरी गुड. हाँ, खुशी के आंसू आ जाते हैं आंखों में, ऐसा ही होता है बिल्कुल. व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू क्राई, ठीक है. तो ये होती है नीड फॉर अचीवमेंट. तो बेसिकली आपके लिए अचीवमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना रादर देन एनी अदर रिवॉर्ड. किसी और रिवॉर्ड की निस्बत आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो आपकी अचीवमेंट. नीड फॉर अचीवमेंट के जो लोग हैं, ये वही जो भी मैंने बात की आपसे कि अचीविंग अ गोल गिव्स यू मोर सेटिस्फेक्शन देन प्रेज फ्रॉम अदर्स. जो नीड फॉर एफिलिएशन वाला बंदा होगा ना, उसके लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ही वॉन्ट टू बी प्रेज्ड बाय अदर्स. जो बंदा नीड फॉर एफिलिएशन से मोटिवेट होगा ना, उसके लिए दूसरों से तारीफ सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो लोग नीड फॉर अचीवमेंट से मोटिवेट हो रहे हैं, उसके लिए अपने काम में कामयाब होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसे ये फर्क नहीं पड़ता कौन तारीफ कर रहा है. जो बंदा नीड फॉर पावर से मोटिवेट होगा, उसके लिए सिक्योरिटी और स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो बंदा नीड फॉर अचीवमेंट से मोटिवेट हो रहा है, उसके लिए सिक्योरिटी और स्टेटस आर नॉट इम्पॉर्टेंट. दे आर नॉट द प्राइम मोटिवेटर्स. दे आर प्राइम मोटिवेटर्स बट फॉर दोज हु आर मोटिवेटेड बाय नीड फॉर पावर. नीड फॉर अचीवमेंट वाला बंदा जो है कॉन्स्टेंटली काम को बेहतर करने की कोशिश करेगा. ही विल कॉन्स्टेंटली ट्राई टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे. ही विल ऑलवेज बी रिक्वायरिंग अ फीडबैक अबाउट हिज और हर परफॉर्मेंस. उसे हर वक्त एक फीडबैक चाहिए होगा अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक, ठीक है. उसके लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर अचीवर्स पे जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ फीडबैक है. अगर आप उसे बोनस देते हैं या अगर आप उसे पे रेज देते हैं, तो ये भी उसके लिए फीडबैक है. हाई पे हाई बोनसेस जो है दे आर द मेजरमेंट ऑफ द सक्सेस. तो बेसिकली अगर आप किसी को सैलरी इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तो वो इसको ऐसे अज्यूम करेगा कि ये मेरी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट मुझे एक्नॉलेज किया गया. तो इन लोगों के लिए पे भी जो है वो एक किस्म का फीडबैक होता है. Got it? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थियरी. पेपर में तक दो दफा आ चुकी है. पेपर में अभी तक ये थियरी दो दफा आ चुकी है. लास्ट टाइम भी आई थी सितंबर में. आपके अटेम्प्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है इस दफा मैस्लो, अब्राहम मैस्लो. इफ नॉट 100% आई एम 99% श्योर कि इस दफा एग्जामिनर मैस्लो को टेस्ट करेगा पेपर में. विक्टर रूम भी आ चुकी है एक दफा. विक्टर रूम की थियरी भी इंपॉर्टेंट है. चलो इसको आज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम लोग परसों. कल ऑफ है, 25th of December, कल का डे है. तो अगली हमारी क्लास इंशाल्लाह वेंसडे को होगी, ठीक है. विक्टर रूम कौन था और इसने क्या किया था? विक्टर रूम ने एक थ्योरी पेश की थी जिसको उसने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहा था 1964 में. क्वाइट ओल्ड. 1964 में रूम ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसको उसने नाम दिया था एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. This theory allows you to measure and predict the strength of an individual's motivation. Strength of an individual's motivation. ये theory जो है, ये strength को measure करती है. It measures the strength of motivation. हमने ऊपर discuss किया था कि content theories में यही drawback है. Content theories जो है, strength of motivation नहीं measure करती. Here, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी की लिमिटेशन है. कंटेंट थ्योरीज आर अनएबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन.
तो प्रोसेस थ्योरीज ने बेसिकली इस फिनोमेना को आके अपडेट किया था. प्रोसेस थ्योरी ने ये डिफाइन किया था कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन. तो स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को मेजर करने के लिए फिर विक्टर रूम ने एक पूरा मॉडल दिया था जिसको नाम दिया था एक्सपेक्टेंसी मॉडल का. विक्टर रूम ने कहा था कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं ना, दे आर द रिजल्ट ऑफ आर कॉन्शियस चॉइसेस जो हम लेते हैं, एंड वी चूज बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स. और ये जो हमारे बिहेवियर्स हैं, दे आर ड्रिवन बाय इंडिविजुअल नीड्स एंड इंडिविजुअल वॉन्ट्स. हर किसी के अपने गोल हैं और वो उन गोल्स को सेट करके उनके मुताबिक मोटिवेट होता है. दुनिया में कोई से दो लोग सेम नीड्स को सेम वे में से मोटिवेट नहीं हो सकते, या सेम नीड को सेम वे में टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है ना. तो विक्टर रूम की जो थ्योरी है वो इस फिनोमेना को जस्टिफाई करती है. बिफोर वी जंप ऑन विक्टर रूम थ्योरी, लेट मी शो यू द क्वेश्चन ऑन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी. ये क्यों दिया, मैं आपको मैस्लो का क्वेश्चन दिखाऊंगा. विक्टर रूम की थ्योरी के हवाले में जंप करते हैं क्योंकि मैस्लो पे आई एम क्वाइट कंसर्न कि इसके ऊपर इस दफा पेपर में सवाल लाजमी आएगा. सो लेट्स क्विकली सी कि अभी तक मैस्लो के ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें. काफी पहले एक दफा मैस्लो का सवाल आया था, दैट वाज इन मार्च 2015 की अटेम्प्ट में क्वेश्चन था अब्राहम मैस्लो के ऊपर. शो यू द क्वेश्चन. ओके, डिफाइन द टर्म मोटिवेशन. ये चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन था, मोटिवेशन को डिफाइन करना था. और उसके बाद ऑल्दो मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड हैज वाइड एक्सेप्टेंस अमंग साइकोलॉजिस्ट हू स्टडी ह्यूमन मोटिवेशन, लेकिन दिस थ्योरी हैज सर्टेन लिमिटेशंस which should be kept in perspective while considering the motivation factors. Briefly describe the limitations of Maslow hierarchy of needs. 7 marks. You see? तो ये 7 नंबर का सवाल, और ये अभी तक सिर्फ एक दफा आया सवाल मैस्लो के ऊपर. That is the only question that has appeared so far on Abraham Maslow. So that's a very interesting question. और ये हमने अभी 7 limitations ही देखी हैं इसकी total. तो 1 mark for each, 7 limitations, 7 marks. एक नंबर हर पॉइंट का, 7 पॉइंट से 7 नंबर. हियर दे आर 7 पॉइंट्स, 1 mark फॉर ईच. हर्ज़बर्ग 2-फैक्टर थ्योरी पे भी रिसेंट क्वेश्चन आया था, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर्स को अलग अलग करके एक्सप्लेन करना था. दैट वाज येट अनदर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. ठीक, 6th chapter का टेस्ट मैंने अनाउंस किया, डेट कब होगा? 6th chapter का टेस्ट आपका होगा इंशाल्लाह फ्राइडे. हाँ, ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह. ठीक, 6th का टेस्ट जब आप इस वीक में देंगे, प्लस 8 से ना मैं TA को मैंने अनाउंस किया था ना, हम ग्रिड वाइज टेस्ट करेंगे, पार्ट ए बी सी डी एंड ई. हर वीक में हम एक पार्ट का टेस्ट करेंगे, तो इस वीक से पार्ट ए का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है. आज या कल में TA LMS पे अपलोड कर देगा पार्ट का टेस्ट, और वो आप फिर अटेम्प्ट करेंगे टिल सैटरडे. ठीक, हफ्ते तक का टाइम होगा आपके पास. तो फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे ये 24th वाला वीक है, ये पार्ट ए है, 31st को पार्ट बी हो जाएगा, उसके बाद 7th को पार्ट सी हो जाएगा, ये पार्ट डी हो जाएगा, और ये पार्ट ई हो जाएगा 5th chapter. ठीक है, मतलब पार्ट ई पहले करेंगे और पार्ट डी बाद में करेंगे, तब तक हम पार्ट डी पूरा कर चुके होंगे. सो 25th जब तक हम अपना कोर्स वाइंड अप करेंगे, हमारे पार्ट्स के टेस्ट भी इंशाल्लाह सारे के सारे कंप्लीट हो चुके होंगे. ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट स्केड्यूल है, इसको नोट कर लीजिए. ये इंशाल्लाह इस वीक में पार्ट ए जो है उसका टेस्ट मैं आप तक पहुँचा दूँगा. क्लियर? तो
चल विक्टर दूँ फिर, अब इंशाल्लाह अपन परसों स्टार्ट करेंगे वेंसडे को आज, क्योंकि ये थ्योरी थोड़ा टाइम लगेगी। आई डोंट वांट टू, बेटा पार्ट्स के टेस्ट नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि मैं इसको यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप अपनी स्टडी ग्रिड देखें, फिर एक सेकेंड मैं आपको ना इधर टेबल ड्रॉ कर देता हूँ अकॉर्डिंगली। हमारी किताब के 5 पार्ट्स हैं। ओके, दिस इज पार्ट ए, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, इसका टाइटल है इस पार्ट का, इसमें चैप्टर नंबर 1 एंड 2। ठीक है, पार्ट बी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, चैप्टर 3, 4 एंड 5। पार्ट सी दैट इज एम्प्लॉई बिहेवियर एंड मोटिवेशन, चैप्टर नंबर 6 एंड 7। This is part D, leadership, team management, conflict and negotiation, chapter number 8, 9 and 10. Part E, MIS, chapter number 11. ठीक है, ये नोट कर दीजिए, ये आपकी ग्रेड, दिस इज योर सब्जेक्ट कंप्लीट। और पेपर में इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बता दूँ, पहले पार्ट में से पेपर में 25% मार्क्स आते हैं, 25% पोर्शन आते हैं। दूसरे पार्ट में से पेपर में 20% पोर्शन आते हैं। तीसरे पार्ट में से पेपर में भी 20% पोर्शन आता है। चौथे पार्ट में से भी 20% पोर्शन आता है। और पाँचवें पार्ट में से 15% पोर्शन आता है। ले रही है, इट इज क्लियर ना? तो ये आपकी स्टडी ग्रिड है, इसको फॉलो करेंगे आप इस वीक में जो 8 से स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह सैटरडे तक आप मुझे पार्ट ए का टेस्ट जमा कराएंगे। आई विल मेक श्योर कि ये टेस्ट मैक्सिमम बाय टुमारो अपलोड हो जाए, क्योंकि अब आज मैं हर टी ए जा चुका होगा, तो आई विल मेक श्योर कि ये टेस्ट परसों तक अपलोड हो, कल तक अपलोड हो जाए। ठीक है, कल छुट्टी भी है, तो इन केस इफ यू वॉन्ट तो आप मुझे कल ही उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, चले लेट्स कंक्लूड, सी यू इंशाल्लाह ऑन वेंसडे। अल्लाह हाफिज़।